परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज यमुना तट पे बैठ करके हम लोग भगत ऋषि यमुना जी का प्रातःकाल आराधन कर रहे थे और अब संध्या आरती के समय उनके नीराजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है। उत्तम देश में, उत्तम काल में, उत्तम सन्निधि में और इस सर्वोत्तम पर्व के श्री यमुना जी की सन्निधि और उनके नीराजन का ये अवसर वास्तव में बड़े पुण्य का फल है। नहीं, पुण्य का फल नहीं, श्री यमुना जी की कृपा का फल है। ऐसा कौन सा पुण्य होगा जो ब्रज में बैठ करके और व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हो श्री यमुना जी के नीराजन का अवसर दे सके। हमारे ऋषियों ने सामाजिक बंधनों की दृढ़ता के लिए भी बड़े सजग प्रयास किए थे कि किस दिन पत्नी का सम्मान, किस दिन पति का सम्मान, किस दिन पिता का सम्मान, किस दिन भगिनी का सम्मान। वैसे तो ये नित्य बंधनी है, लेकिन विशेष रूप से तो यम द्वितीया का ये पर्व विशेष करके भाई बहन का पर्व है। श्री यमुना जी सूर्य पुत्री है और श्री यमराज भी सूर्य पुत्र है, तो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन बहुत प्रेम। आजकल के बिजी भाइयों की तरह यमराज जी बहुत बिजी नहीं आ पाते हैं। अब उनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी है भाई, तो कोई छुट्टी भी नहीं है, नो लीव। बहन क्या नहीं आ पाए थे, तो यमुना जी ही गए, तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए अपनी बहन को देख के। बाद तो आई है तो हम बड़े प्रसन्न हैं। इस तरह से भी कहा जाता है कि एक दिन यमराज जी इसी प्रकार समय निकाल करके श्री यमुना जी के यहाँ आए और अब भाई को देखकर बहन का कितना प्यार होता है तो बहन ही जान सकती है, भाई नहीं जान सकता है। बहन ही जान सकती है कि उसका क्या प्यार है भाई के लिए। एक माँ की छाया ही समझो, तो क्या प्रेम से भोजन कराएगा, ये तो आप लोग अपने विवेक से ही कर लो। यमराज अपनी बहन को देख के बड़े प्रसन्न हुए और बहना तो तुमने मुझे आनंदित कर दिया, तुझे देख के आनंद आया, तेरे हाथ की रसोई पाई हमने, मैं गदगद हूँ, तुम मुझसे भी बताना। तो यमुना जी वात्सल्यमयी हैं,
उनको अपने बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। यमराज का भैया अच्छा तो ऐसा कर, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तो दिया है, जब हम लोग मिले हैं इस दिन जो मुझे स्नान करें, ऐसा भी परंपरा है कि भाई बहन साथ साथ मिल करके स्नान करें, ये संबंधों की पवित्रता का है, भाई और बहन साथ साथ स्नान करें। और इसीलिए कई बार कई भाई लोग अपनी बहनों को लेके आते हैं, कई बार बहनें पढ़कर भैया मुझे यमुना स्नान करा लिया, दोनों साथ साथ स्नान करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो बहन के हाथ का प्रसाद भाई को आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है, चित्त की पवित्रता भी प्रदान करता है, बहन का स्नेह तो प्राप्त करता ही है, और उसके आचरण पवित्र होने के कारण यमराज फिर उससे बात नहीं। वैसे यमराज तो सावधान रहते हैं, शनिचर देवता भी यमुना जी के भाई हैं, वो भी सूर्य पुत्र हैं, तो जो उनकी बहन के भक्त हैं, यमराज कहते मैं अपने भांजियों के साथ कैसे क्या करूं, दृष्टि सवाल करते जाते, मामा भांजी का होता तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यारा वो लोग, अब तो पता नहीं मुझे मालूम नहीं, पहले तो मामा भांजी एक दूसरे को ऐसी बढ़िया बढ़िया सुनाते थे कि हम कहने में भी कठिनाई लगती है, आपको पता नहीं पूछते कि संबंध रहे कि नहीं रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुनाते थे, अच्छी अच्छी बात सुनाते थे, अब उनका उदाहरण में क्या, लेकिन उनका प्रेम इतना होता था कि भांजी को कोई कुछ कर दे या मामा के लिए कुछ, बहुत प्रेम। तो इसलिए यमुना महाराज जी का पूजन करोगे, भक्ति करोगे, तो न शनिचर देवता का डर है, न तो यमराज का डर है, बड़े आज पर शनिचर देवता की कृपा हो रही है। अभी कुछ वर्षों से पहले बेचारे पढ़े रहते हैं, तो बहुत उनकी, तो हमारी यमुना महारानी की पूजा करो तो दोनों ही संकट। वैसे आप हर कथा के एक आध्यात्मिक रूप होता है, एक आध्यात्मिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक रूप, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, देवता के रूप में भौतिक रूप में हम लोग आध्यात्मिक रूप कथा में यमुना महारानी भक्ति की अधिष्ठात्री देवता है, भक्ति प्रदान करने, ये ब्रह्म संबंध कराने वाली है, ब्रह्म संबंध कालिंदी ही कराती है, इसीलिए कालिंदी को ब्रह्म संबंध का गुरु भी माना जाता है, वही कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ती है। माय डियर, हाँ ये मेरा है, इसको जरा कृपा करो, तो संबंध कराने वाली श्री यमुना जी है, ब्रह्म संबंध कृष्ण संबंध कराने वाली। तो जिस यमुना जी की जो कृपा प्राप्त कर लेता है, जो भक्ति की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो भक्ति की कृपा से अपने आप ज्ञान और वैराग्य उसके अपने हो जाते हैं। जो ज्ञान और वैराग्य संपन्न है, जिसके विवेक है, जिसके नेत्र पवित्र है,
जिसके कान पवित्र है, पवित्र है माने अपवित्र वस्तु को देखते नहीं, अपवित्र वस्तु को सुनते नहीं। तो पाप तो आंख के मार्ग से घुसता है, कान के मार्ग से घुसता है, अन्य इंद्रियों से भी, लेकिन ये मुख्य। जिनकी आंख बिगड़ती है उनका जीवन बिगड़ जाता है। अगर जीवन सुधारना है तो अपनी आंखों को सुधारो, अपने कानों को सुधारो, अपनी अन्य इंद्रियों को संयमित करो। जिसके अंतःकरण में इस प्रकार की स्थिति है तो भगवान अपने आप प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवान कान के रास्ते से अंतःकरण में आ जाते हैं और धुनो विषमन दृष्ट आकर के उसके समस्त ताप ताप संताप का निवारण कर देते हैं। और जिसके मुख में नाम राम का नाम, कृष्ण का नाम है, जिसके हृदय में भगवान विराजते हो, तो अजामिल की कथा यमराज भूले नहीं, यमदूत भूले नहीं, ये डर के मारे और भागते हैं, अरे भैया कहाँ फंस गए हम, भाग जाते। तो यमुना जी की कृपा से ये यम निवारणी है, यम दोष निवारणी है, क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध करा देती है, ब्रह्म के साथ संबंध करा देती है। जो ब्रह्म संबंध है, जो कृष्ण संबंध है, उसका यमराज से क्या लेना देना। यमराज भी आएगा तो पहले प्रणाम करें, भैया आपको नमस्कार करता हूँ, आप कृष्ण भक्त हैं, ब्रह्म संबंध से संबंधित है, ये इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष है। अपने जीवन आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने के लिए यमुना महारानी जो भक्ति पदायिनी है उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनमें निमज्जन उन्मज्जन करने का ना तात्पर्य है कि हम भक्ति में डूब जाते हैं। जो भक्ति में डूब जाएंगे उनके समस्त पाप ताप संताप निवृत्त हो जाएंगे। ये काली जी में स्नान करने का तात्पर्य है। आप लोगों को अपना सौभाग्य है कि आज के दिन आप भगवती काली जी के तट, और जो लोग विज्ञान के माध्यम से यहाँ बैठे हैं उनको भी यमुना दर्शन प्राप्त हो रहा है, संतों के दर्शन हो रहे हैं, यमुना के नीराजन का अवसर मिल रहा है और भक्ति को माध्यम से ब्रह्म को अपने अंतःकरण में संबंधित करने का अवसर मिलता है। हम सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं, आचार्य जी सहित श्रीमानों का करते हैं और आप सबके भाग्य की पुनः प्रशंसा करते हुए मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्ण।